I'm Sister Julie. I taught her the naughtiest. We enjoyed ourselves. That was life. Yeah, I know. I feel so happy that what they are today. We were strict. They still say, हम जो कुछ बने हैं सेंट जोसेफ से बने हैं। बोरी बाजार की चाट भी। हाँ, अभी भी। उसमें ना वो गोल प्याज होता था लंबा वाला। और मैं सोचती हूँ आपके हम कितना सोचते हैं हाइजीन सफाई प्लेटे फलाना। आप सोचो। उस वक्त हम क्या खा पी के सब जिंदा भी हैं बड़े भी हो गए। From the 20-year-old Sanya to the Sanya that's sitting in front of me, how has the definition of love changed for you? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि ये मैंने सोचा है पिछले कुछ सालों में। सोचा है आप? जब मैं स्कूल में फेल हो रही थी मैं प्रेस क्लब में थिएटर कर रही थी। मैं असलम अजहर की डायरेक्शन में थिएटर कर रही थी जब व्हेन स्कूल वाज फेलिंग मीन देयर ऑडिशन। अगर कोई होम मेकर बनना चाहती है आसान काम नहीं होता भाई। उसके लिए अपने आप को जरूर प्रिपेयर कीजिए, अच्छे होम मेकर बनिए, जो काम भी कीजिए मोहब्बत से कीजिए। Hey guys, Assalamualaikum. We are back with another episode of Pyar Zindagi aur Karachi and I have the great Sanya Saeed with me. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kaisi hain aap? Itna acha naam hai ye. Pyar Zindagi aur Karachi. Haan, I love it. I like it. Main har episode mein ye bol rahi hoti hu, mujhe lagega log bolenge bas karo bhai apni tareefe karna, but I just love this because I like it. Mujhe na ye lagta hai this is what Karachi is about. Hai na? Pyar and Zindagi. Yeah. To aaj hum Karachi ko ek different nazar se dekhenge, Sanya Saeed ki nazar se dekhenge and we are both very excited kyunki hum ja rahe hain St. Joseph's सदर का एरिया एक्सप्लोर करने। हाँ जी, और आज आप लोगों ने चेंज नोट किया, आई एम नॉट ड्राइविंग एंड आई एम फीलिंग सो यू नो अजीब सा बिकॉज, और मैं इसका मतलब बातें ज्यादा करूंगी सो आई नीड टू स्टॉप माय सेल्फ। हाँ जी, मुझे मैंने इसलिए इंसिस्ट किया ड्राइव करने पे क्योंकि मैं उस सीट पे नहीं बैठ सकती, मुझे बहुत अजीब लगता है। Rarely ever had to sit on that अच्छा, आप वो हैं वो जो गाड़ी चलाते हुए वो आया तो अगर पैसेंजर सीट पे बैठ गई तो पाँव ऑटोमेटिकली जाता है ब्रेक की तरफ ना के, और वो कुछ हाथ ऐसे से हो जाते हैं और मुझे बिल्कुल कहीं और देखना पड़ता है कि मैं सड़क को फिर देखती नहीं ट्रैफिक को, स्ट्रेस में आ जाती है क्या होगा। हाँ, और अगर मुझे ऐसे बैठना पड़े तो मैं पीछे बैठती हूँ ताकि मुझे कुछ नजर ना। अच्छा, हमारे साथ मसला भी है कि हम जिस वक्त दोपहर के टाइम पे जा रहे हैं तो हम सेंट जोसेफ्स की कैंटीन को एक्सप्लोर करना चाह रहे थे लेकिन वो बंद होगी, लेकिन अब्दुल्ला की कैंटीन खुली होगी तो बहुत सही है, या हमें खाने की कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी। नहीं नहीं, अब्दुल्ला की कैंटीन इज द बेस्ट। ठीक है, तो हम फिर आज ये जो है ये एपिसोड सेंट जोसेफ्स बेस्ड ही होगी, राइट है ना। अच्छा जी, तो कराची इस वक्त हम कराची की ट्रैफिक में फंसे हैं बाय द वे। हाँ, और इस ट्रैफिक की कमाल बात ये है कि ये जब मैं स्कूल जाती थी विच वॉज लाइक सम 35 years ago तब भी ट्रैफिक इतनी ही होती थी। सीरियसली, आई थॉट तब तो कराची बेहतर होता होगा ट्रैफिक वाइज। जरा सा, लेकिन चूंकि हम पब्लिक बस में ट्रैवल करते थे और मेरे घर से चलती थी 5C और 5C हमें यहाँ एम्प्रेस मार्केट उतारती थी और एम्प्रेस मार्केट से थोड़ी सी वॉक है। अब वो किसी बड़े आदमी के लिए तो थोड़ी सी वॉक है मगर 4-5 साल के बच्चे के लिए वो काफी लंबी वॉक है। आप 5 साल की होती थी? मैं 5 साल की थी। ओके, तो जब मैं या 4 साल की थी तो क्योंकि यहाँ नर्सरी थी ना? नहीं नहीं, मेरे मामू का दफ्तर था यहाँ। अच्छा। जब अम्मी, क्योंकि मेरी अम्मी उस वक्त मॉन्टेसरी कोर्स कर रही थी अपना, तो उनको भी स्कूल पहुँचना होता था, तो कभी मेरे मामू और कभी मेरी अम्मी मुझे लेकर आते थे तो वो हम एम्प्रेस मार्केट पे उतरते थे और वहाँ से फिर पैदल हमें सेंट जोसेफ्स तक आना पड़ता था। तो वो कितनी देर की वॉक होती थी, कितने मिनट्स की? यार उस बड़े आदमी के लिए तो 10 मिनट होनी चाहिए मगर मुझे लिटरली, मामू तो मेरे खास तौर पे, मैं जमीन से तकरीबन मैं ऊपर होती थी क्योंकि वो घसीट रहे होते थे बिकॉज एवरीबडी हैड टू गेट टू ऑफिस और वो सबकी टाइमिंग एक होती है कि जल्दी चलो जल्दी चलो। लेकिन अम्मी अपने साथ ना छोटा एक सफेद गीला तौलिया रखती थी क्योंकि वो जो ट्रैफिक की मैं बात कर रही हूँ कि वो इसलिए उस वक्त भी इतना ही था क्योंकि वहां तक पहुंचते हुए ना मेरा पूरे मुंह पे धुएं के वो पड़ जाते थे निशान, तो शी हैड टू क्लीन इट बिफोर शी सेंट मी स्कूल में अंदर क्लास में जाने से पहले। तो वो इतना नहीं था, ऑब्वियसली इतना नहीं था, लेकिन सदर हमेशा से सेंटर है कराची का, हर चीज यहाँ पे है। प्रेस क्लब जिसकी वजह से आज यहाँ रश है वो यहाँ पे है, तमाम यहाँ पे गवर्नर हाउस यहाँ पे है, कोर्ट यहाँ पे हैं, बड़े
ज्यादा बड़े स्कूल यहाँ पे हैं। नहीं, और अब हो गया है कि डॉलमेन जा रहे हैं आप, और आप पार्क टावर्स या फिर आप ओशन मॉल या आप जा रहे हैं, वरना तो यहाँ सदर ही आते थे। It was बोरी बाजार एंड देन मार्केट। Exactly, और वो महबूब मार्केट एंड यू नो साइड से, और बोरी बाजार। अब आप जाते हैं कि वो चाट खाने फ्लेमिंगो एंड ऑल दैट, वो बात शुरू में था बोरी बाजार की। बोरी बाजार आते थे भाई, चाट बटाटा वड़ा खाया हुआ है आपने? ओह माय गुडनेस, थैंक गॉड आपने खाया है। इतने कम लोगों ने खाया होता है ना, पता नहीं, आई थिंक बहुत कम लोग अब नहीं जाते ना लोग निम्को वाला ना, निम्को पे हां अभी देखते हैं अगर खुली है तो, अगर हम वहां जा सके तो आई जस्ट वांट टू गो देयर वंस एंड जस्ट हैव इट, इट्स सो, इतने मजे का है वो ना, और वो कहीं नहीं मिलता बाय द वे, वो कहीं नहीं मिलता, कोई ऐसा बनाता भी नहीं और उसके साथ एक खास किस्म की चटनी होती है। सो जो वो निम्को सदर में है बोरी बाजार, और अच्छा बोरी बाजार की चाट भी, हां अभी भी उसमें ना वो गोल प्याज होता था लंबा वाला, राइट यू रिमेम्बर? और मैं सोचती हूँ आपके, हम कितना सोचते हैं हाइजीन, सफाई, प्लेटें, फलाना, आप सोच उस वक्त हम क्या खा पी के सब जिंदा भी है, बड़े भी हो गए। पानी पूरी वाला आता तो मैं कहती हूँ ये मिनरल वाटर है ना, ये आपने नेस्ले का यूज किया, लिटरली आई आस्क दैट बिकॉज, लेकिन क्या करें, अब वो मैं चार दिन हॉस्पिटल में नहीं रह सकती भाई। अब हो गया वैसे ये कि पहले wasn't that bad, you know? पीने का पानी भी कराची का जैसे अब बहुत खराब हो गया, बहुत पहले इतना नहीं था मुझे लगता। अच्छा मैं इसको सीट को थोड़ा पीछे कैसे कर सकती हूँ इसको, हाँ ये जो आप खेल रही हैं ये मैक्सिमम है, नहीं पीछे जाएगी और थोड़ा ऐसे खेल रही हूँ, सॉरी जो कबूतर बैठे होते हैं जगह जगह, अब तारों पे लाइन, नीचे भी बैठे होते हैं। And isn't it amazing कि इतने शोर वाले शहर में जहाँ इतना शोर मचता है वहाँ पे इस तरह से आपको कबूतर उड़ते हुए नजर आते हैं, लोग बहुत खाना इनके लिए पानी रखते हैं हर जगह पे, ये यहाँ पे भी अलग अलग इलाकों में आपको नजर आएगा कि इनके लिए लोगों ने खाने रखे हुए होते हैं। तो ये बहुत पहले भी ऐसे ही होता था कराची में, पहले बहुत परिंदे होते थे क्योंकि दरख्त भी ज्यादा होते थे, अब दरख्त भी बहुत ही हमने बेतुके तरीके से काटे हैं और बेदर्दी से बल्कि कहना चाहिए कि काटे हैं, कुछ पिछले दिनों में उन्होंने दोबारा से लगाए भी हैं, लेकिन दरख्त जितने अरसे में बड़ा होता है उतना अच्छा। फाइव स्टार की ये जो एरिया है ये बहुत एक आइकॉनिक लोकेशन है, लकी स्टार, लकी स्टार, ओह सॉरी मैं भी गलत बोल रही हूँ, दूसरों को क्या बोलूँ मैं, लकी स्टार, लकी स्टार, लकी स्टार एक तो बहुत सारे बसेस का इम्पोर्टेंट स्टॉप था क्योंकि वहाँ से ये तो ये सब जैना मार्केट का एरिया है लेकिन लकी स्टार दूसरी तरफ है, लेकिन ये भी एरिया बहुत आइकॉनिक है इन द सेंस कि मेट्रोपोल है एक तरफ, एक तरफ स्कूल्स हैं, एक तरफ प्रेस क्लब था, हमेशा से था, यहाँ अभी भी है, और यहाँ पे इंटरेस्टिंगली मेट्रोपोल्स की तरफ जब आप अवारी के सामने ना एक सिनेमा था, अच्छा पैलेस नाम का, ओके, और वहाँ पे इंग्लिश फिल्म्स लगती थी, और हमने वहाँ बहुत सारी फिल्म, अवारी इस तरफ है, इस तरफ, हाँ इस तरफ सिनेमा था, लाइक इफ मेट्रोपोल इज ऑन योर राइट पैलेस वुड बी ऑन द एज ऑफ योर लेफ्ट, ओके, जहां अवारी खत्म हो रहा है, शुरू हो रहा है खड़े होंगे सामने अवारी नजर, और ये इधर इस साइड पे, इस साइड पे, हां जहां वो कोई रेस्टोरेंट और कुछ खाने पीने की दुकानें, उसके ऑपोजिट, उसके ऑपोजिट विलेज के ऑपोजिट, अच्छा आई नेवर न्यू दिस प्लेस, यहां एक पैलेस नाम का एक वो था, और बहुत ही दिलचस्प बिल्डिंग थी वो, ओके, इट वाज वाइट और वो डायरेक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ शहर है कराची, तो बिल्डिंग्स वर ऑल वेरी कॉलोनियल, बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग थी वो, हमने वहाँ बहुत सारी अंग्रेजी फिल्में लगती थी, सिर्फ तो हमने बहुत सारी वहाँ देखी, अम्मी अब्बू हमें लेके जाते थे, नानी भी जाती थी मेरी कभी कभी, हालांकि उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन सिनेमा एक ऐसी चीज है ना, सिनेमा चीज ऐसी है ना, लैंग्वेज का इतना मसला नहीं है। पिकनिक्स बहुत एक बड़ी चीज होती थी कराची में, मुझे याद है, यू नो वो पूरा सामान के साथ एहतमाम, अब मुझे लगता है अब नहीं, अब जाना होता तो बस सी व्यू जाते हैं या फार्म हाउसेस चले जाते हैं, पहले पिकनिक जो थी वो कहीं भी आप जू चले जाएं, कहीं भी किसी पार्क चले जाएं, सफारी पार्क चले जाएं, बड़ी जगह थी, जगह थी और पूरी फैमिलीज लाइक पूरी, नॉट जस्ट की एक फैमिली, वो आपके चचा खाला मामू सब मिलके जाते थे, नहीं और अभी एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, अब मेरी अम्मी एक्चुअली तो अब नहीं जाती हैं सिनेमा वगैरह, लेकिन अम्मी
वगैरह को बहुत शौक था, तो हमारे पड़ोसी और पहले मोहल्लेदारी भी वो डिफरेंट थी ना, अब्बू अम्मी मेरे और पड़ोसी ड्राइव इन सिनेमाज जाते थे, यानी वो ओपन एयर सिनेमाज होते थे और वहाँ बूथ्स लगे होते थे स्पीकर्स के, और वहाँ से आप अपनी गाड़ी में लाके आप अपनी गाड़ी उसके साथ पार्क करें, आपको आपकी अपनी पर्सनल साउंड मिलती थी और आपको इतनी बड़ी सामने स्क्रीन नजर आती थी। वो भी कितने मज़ेदार एक्सपीरियंस था। मेरे पास सुजुकी थी कैरी, तो अगर आप उसका हुड उतार दें तो वो खुल जाती थी। और वो उसमें हम अपनी दरियां बिछा के और लिहाफ रख के सर्दियों में मूंगफलियां खाते हुए पूरा मोहल्ला आधा मोहल्ला जाता था। मैंने कभी नहीं एक्सपीरियंस किया। इट वाज लवली, इट वाज लवली। हां, ड्राइविंग से खत्म किया है। हालांकि कराची में आई थिंक ये जो जनवरी फेब का या मार्च का टाइम होता है बहुत अच्छा, यहाँ पे आपको मिल सकता है बहुत अच्छा, और वो एक्सपीरियंस इतने मजे का होता है। सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे होते हैं और आप वाह 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 ये रोड तो बंद है, ये रोड बंद है, ओ नो, कोई बात नहीं, सदर पहुँचने के बड़े रास्ते। सदर का ये एक बड़ी क्वालिटी है कि सदर इज कनेक्टेड फ्रॉम एवरीवेयर, so even though we might be spending more time in the car now, but you will get there, don't worry. मैं ना अभी अपना जो मैं मुड़ रही थी वो मैं अपना फोन उठाने की कोशिश कर रही थी कि मैं कुछ शॉर्ट फोन से ना जो जो हम बातें कर रहे हैं वो मैं लेती जाऊं। प्रेस क्लब एक बड़ी ही मजेदार जगह है। यहाँ हमने मैंने अपनी जिंदगी की पहली थिएटर परफॉर्मेंस अच्छा प्रेस क्लब के अंदर की थी। I was only what like maybe 5-7 years old. नहीं अच्छा okay. आज हम बिल्कुल जो है ना मेरे रेमो करम पे यही कहना चाह नहीं रही थी मैं इस तरीके से। उधर से भी बंद है। ओके ठीक है, उन्होंने उधर के पूरी वही एक्सेस बंद की। आज कोई जलसा हो रहा है भाई। और हम प्रेस क्लब पे अक्सर वो प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं। मैंने बचपन में बड़े किए हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट। हाँ, क्योंकि मैं बच्चों के जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती थी ना, तो हम चाइल्ड राइट्स पे काम करते थे, तो आई वाज आल्सो चाइल्ड, और हम यहाँ पे बड़े वो करते थे प्रोटेस्ट वगैरह। और वो ये बड़े अरसे से मैं नहीं आई किसी में। बड़ी जगहों से बंद है ये। हाँ। मुझे लगता है मैं शारे फैसल से ही जाना पड़ेगा। नहीं घुस तो रहे हैं लोग। नहीं 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 जाना पड़ेगा, घुस रहे हैं गाड़ियां, क्योंकि यहाँ दफातर है ना, बिल्कुल तो बंद नहीं कर सकते ये। और वो भी इस टाइम पे राइट इन द मिडल ऑफ द डे, द डे आप नहीं कर सकते। सो इस वक्त हम यहाँ ये लैक्सन स्क्वायर की बिल्डिंग है वहाँ से गुजर रहे हैं हम, और ये ट्रैफिक आप लोग देख सकते हैं। पीआईए का हेड ऑफिस था ये, अभी भी है, डिस्ट्रिक्ट सेल्स, डिस्ट्रिक्ट सेल्स ऑफिस है यहाँ बड़े, और ये इतनी पुरानी बिल्डिंग है, यहाँ बहुत से दफातर थे पहले। अच्छा मुझे बताएं, एम्प्रेस मार्केट पे जब आप उतरती थी तो मुझे एम्प्रेस मार्केट बहुत फैसिनेट करती है, वहाँ पे खाना पीना और वो ठेले जो साइड पे होते हैं सारे, तो क्या क्या आप लोग होता था लाजमी के कुछ तो जरूर वहाँ से लेना है? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता था, देयर वाज नो टाइम। ओ, सुबह के वक्त तो देयर वाज, स्कूल के बाद मैं स्कूल बस में आती थी, और हमारी बड़ी आइकॉनिक सी स्कूल बसेस थी, पुरानी थी बहुत, उस वक्त तो बड़ी बुरी लगती थी, लेकिन अब मैं सोचती हूँ यार वो अभी होती तो विंटेज होती, लाइक दे वर प्रॉपर स्कूल बसेस, किसी को प्रिजर्व कर लेनी चाहिए, कर लेनी चाहिए थी ना। हाँ, कुछ थोड़ा सा तो यादगार रह जाती। और उस वक्त फिर जब मैं पहुँचती थी घर तो 3 बज रहे होते थे दोपहर के, तो मैं कोई 6 बजे निकलती थी घर से सुबह के और 3 बजे घर पहुँचती थी, तो एग्जॉस्टिंग स्कूल डे था हमारा। हाँ, एग्जॉस्टिंग था। उसके बाद तो हिम्मत सो जाती होंगी आप? पहले शुरू में तो शायद सो जाती थी, लेकिन उसके बाद हमारे अम्मा अब्बा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि बच्चे वेले फिर रहे हों, तो उन्होंने हमें इतनी चीज़ों में, फिर वो डांस क्लासेस के लिए बहादुराबाद आती थी, फिर उसके बाद यहाँ भी हम करीब ही हैं, लेकिन PSCC आती थी अपने समर स्कूल के लिए, और इस वक्त हम गुजर रहे हैं आर्ट्स काउंसिल के सामने से, यहाँ पे मेरी बड़ी ज़िंदगी गुजरी है, हमने यहाँ पे बड़ी मेजर परफॉर्मेंसेस की हैं थिएटर की, किसी दिन होगा तो इसको भी अंदर से देखेंगे दोबारा से, बहुत अच्छे। ये है कराची की ट्रैफिक का कमाल दोस्तों। अभी मुझे ना ठेले पे तड़ नजर आई थी, ककड़ी। हाँ, आप लोग खाते थे वो पीछे? दूर थी। हाँ, अभी तो टमाटर आलू नजर आए मुझे थोड़े से, लेकिन मुझे वो जहाँ हम खड़े थे ना वहाँ, ये देखो बीच शहर में इतने धुएं में, यू कैन सी दीज फ्लावर्स इन द मिडल। अच्छा, यहाँ गर्टे इंस्टीट्यूट था। अच्छा, और गर्टे इंस्टीट्यूट में भी हमने बहुत सी परफॉर्मेंसेज, और अब तो नहीं है ना, अब नहीं है ये जगह। हाँ,
आई जस्ट विश कि किसी ने प्रिजर्व कर ली होती बिल्डिंग्स कराची इस मामले में थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहा ना, बस सिवाय इंडस वैली के जो यहाँ से एक पूरी बिल्डिंग उठा के ले गए, अदर देन दैट कि अभी अभी अगर वक्त हो और कि फोन तुम्हारा चल रहा हो, आई कैन शो यू फसाड्स जो अब सिर्फ फसाड्स हैं, उनके पीछे अब कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने वो फसाड्स रखे हुए, अब वो प्री पार्टीशन लाइक ऑलमोस्ट ओवर 100 years मोर देन 100 year ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, मगर बस ये होता है जब शहरों की ओनरशिप नहीं होती ना, यहाँ सब खाने कमाने के लिए आते हैं, तो नोबडी रियली उफ, आपने कितनी अच्छी बात बताई, बोली मतलब बड़ी एप्ट बात बोली आपने, बिल्कुल सही के वाकई गरीब परवर शहर है, यहाँ काम करने वाले को काम मिलेगा लेकिन यहाँ जिसको जो करना है वो कर सकता है ये मुझे कराची लगता है कि हाँ, मगर फिर उस शहर को उस तरह ओन नहीं करते ना, शहर ओन करने में जनरेशंस लगती हैं, लेकिन मैं अगर कहूँ कि चले जो आए उन्होंने किया, लेकिन जो यहाँ के रहने वाले थे उन्होंने भी तो ओन नहीं किया मुझे लगता है कभी नहीं, हम दूसरों को हम, क्या बोलें हाँ, और जो आ रहा है वो तो काम काज करने मजदूरी करने आ रहा है, जो यहाँ के ऑलरेडी रहने वाले थे अगर उन्होंने चार्ज लिया होता, लेकिन यहाँ एक बड़ी मजे की बात ये भी थी कि यहाँ के जो अपने रहने वाले थे बहुत सारे वो तो उनको जाना पड़ा कराची से, एक बहुत बड़ी आबादी को माइग्रेशन के वक्त, जैसे हम बार बार कहते हैं वहां से बहुत लोग आए यहाँ से बहुत लोग गए भी, they were evacuated from Karachi. So Hindus थे वो कौन? Hindus भी थे, Parsis भी थे, Christians भी थे. देखें कितने मजे की information है, मैंने कभी नहीं सोचा ना, अगर पढ़ा था या कुछ था तो याद नहीं है. So you are saying कि इसलिए भी ownership नहीं है क्योंकि एक population निकल गई जो थी, जो जो कर जो यहाँ के generation से रहने वाले लोग थे, जिन्होंने शहर बनाया था. ऐसे देखें पारसी कम्युनिटी की कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता. अगर आप कुछ इंस्टीट्यूट्स के नाम लें तो वो उन लोगों ने क्रिएट किए हुए, और मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादा ये इंफॉर्मेशन है. दे हैड अ लॉट ऑफ सर्विसेज, जो यू सी यही बात है कि जब आप लोगों को उनके अमल के बेसिस पे नहीं, उनकी रिलीजन के बेसिस के ऊपर जब आप लोगों को जज करने लगते हैं और आप उसको पॉलिटिक्स का हिस्सा बना लेते हैं, उससे बहुत खराबी पैदा होती तो है. तो हम चलिए पहले तो मुझे वो हिस्ट्री का बताएं जो आप बताई थी, और क्या इंटरेस्टिंग बातें बता सकती हैं आप? उस वक्त बहुत सारे लोग यहाँ पे जो आए, उन्होंने उनको ये जगह जब अलॉट हुई तो जाहिर है वो कोई वहाँ रहता था तो अलॉट हुई ना, तो उन्होंने वो जगह कमाई नहीं थी वहाँ से, जो वो छोड़ कर आए थे उसके एवज में उनको मिली थी या उनमें कितनी सही थी कितनी नहीं थी वी डोंट नो. तो बिल्कुल एक नया शहर आके बसाया भी उन्होंने जब, तो शुरू में उन लोगों ने, ये देखें आप हो रहा है प्रोटेस्ट, शुरू में उन्होंने बनाया शहर को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर धीरे धीरे जब शहर में और इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स पॉपुलेशन का होने लगा, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो उस तरह डिजाइन नहीं था, इतनी पॉपुलेशन के लिए थोड़ी डिजाइन था, तो यहाँ पानी की किल्लत होने लगी, रहने की जगह कहीं भी अगर बन जाएंगी तो वो कैसे पॉपुलेशन को अकोमोडेट करेंगी प्रॉपरली विथ ऑल देयर बेसिक नीड्स. तो बस ऐसे स्पोरैडिक आबादियाँ बनती गईं. आबादियाँ तो चले हम कच्ची आबादी को हम ब्लेम करते हैं कि वो यहाँ बन गई वहाँ बन गई, लेकिन हमारे जो बड़ी पक्की बड़ी महंगे इलाके हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, उनको नहीं डिज़ाइन सही से किया गया, नहीं बनाया गया. तो अब शहर को ब्लेम तो किया जा सकता है कि यार देखो कितना गंदा है, कितना फलाना है, कितना लेकिन रिस्पांसिबिलिटी या हुआ क्या, ये हम भूल गए, ये हम भूल गए, हम भूल गए कि ज़ैनब मार्केट, आई एम गोना टेक दिस, प्लीज टेक द पिक्चर, ये तमाम स्टूडेंट्स का दोस्त है, ये सबका दोस्त है, ये सबका दोस्त है, ये सबका दोस्त है ज़ैनब मार्केट. ये सामने टीजेस लिखा नजर आ रहा है, टीजेस ढूंढ रही हूं मैं, इसकी हालत से आपको पता चलेगा कि यहां कितना पुराना टीजेस का शोरूम था और टीजेस खुद कितना पुराना है, और टीजेस खुद तो बहुत पुराना है. आई नो क्या मुझे उससे याद है टीजेस भाई, बहादुराबाद वाले नहीं, किसी ड्रामे में आया था, तन्हाइयां कॉस्ट्यूम्स या डिजाइन, सितारा और मेहरुन साहब के कुर्ते भी मेरे टीजेस के डिजाइन के थे. कहां पे है टीजेस, मुझे ये रहा सामने ऊपर, ओह ये रहा, यस यस यस, आई एम look at that building. Yes, look at that now building. I can see. Probably nobody's living in there anymore. Yes, but ये भी फसाद ही है. ये होता है पैदल चलने का फायदा.
बहुत मैंने इस इलाके में पैदल चल चल के हमें बहुत चीजें यहाँ की. तो यहाँ से वॉक करके जा रही होती थी आप? ये नहीं, यहाँ पे भी जैसे कपड़े वगैरह जैनब मार्केट से लेने आती थी तो यू नो वन वुड वॉक. एंड पहले इट वाज मच इजियर, और अभी भी शायद और शहरों के मुकाबले में कराची में ख्वातीन का की मोबिलिटी बेहतर है. तो यहाँ पैदल चलना वरना यहाँ से बस अब तो ये रूट्स चेंज हो गए ना सारे, वरना बसें मिलती थी हर जगह से. आगे ज़ेबुनिसा स्ट्रीट है जिसको एल्फिंसन स्ट्रीट कहते हैं अब. एल्फिंसन स्ट्रीट थी जिसको ज़ेबुनिसा स्ट्रीट, सॉरी कौन सी स्ट्रीट है, एल्फिंसन. अच्छा, और किससे सुना है? अब मुझे बड़ा मजा आ रहा है जो आप बताते हैं. जब आप वॉक करके जाती थी कभी कोई वाकया हुआ, कभी कुछ यू नो इंटरेस्टिंग कहानी याद? अब यार इतनी पुरानी बातें भी है. अच्छा, वो कुल्फी वो स्टिक पे पतली वाली जो कुल्फी होती थी वो होती थी आप लोग? हाँ. खाते थे वो आप? क्यों नहीं होती थी, वो अभी भी होती है. हाँ, वो अभी भी होती है लेकिन अब कौन खाता है? अब पहले वो मटकों में होती थी, मटकों में. यू आर राइट, अब नहीं आती, अब नहीं आती. अब तो उसने वो टीन का मैंने देखा है कुछ. हाँ. वो भी बेचारे दे हैव आल्सो इवॉल्वड, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स. अब तो वो आई डोंट थिंक कि वो साइकिल पे या ठेले पे लेके अब आते भी हैं, आपको दुकान पे ही जाना पड़ता है. नहीं, कुछ एरियाज में मैंने देखा है, नॉट एवरीवेयर. लेकिन अच्छा, इस रोड के पैरेलल बोरी बाजार वाली रोड है. हाँ. okay. तो अगर हम उस पे होते, अगर हम उस पे जा पाते, अभी ट्रैफिक की वजह से नहीं जा पाए, तो वो सीधी सेंट जोसेफ लेके जाती. लेकिन मैं अब आपको लकी स्टार से ले जा रही हूँ. मुझे लग रहा है मुझे ना आप सब लोगों के साथ दो दो प्रोग्राम्स ये करने पड़ेंगे, बिकॉज हर जगह की ना अपनी कहानियाँ अपनी वो है स्टोरीज. हाँ, और अच्छा, अभी तो ये सिर्फ स्कूल तक भी आदि है. अगर मैं आपको बंदर रोड ले जाऊं जहां मैं रेडियो पाकिस्तान जाया करती थी, उसके सामने थियोसॉफिकल हॉल था जहां हम अपनी थिएटर परफॉर्मेंसेस करते थे. अच्छा, ये लकी स्टार का बस स्टॉप है, इम्पोर्टेंट चीज है जो अब पता नहीं क्या है, बेचारा पेट्रोल पंप है कि क्या है. पीछे वाला बहुत नाराज हो रहा है मुझसे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे वो जगह दिखानी जरूरी है. अच्छा, यहाँ से गए तो शदीद ट्रैफिक जैम में मिलेंगे. अच्छा, अगर नजर आ रहा है तुम्हें ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, पीछे बिल्डिंग देख रही हो जी. पहले भी इस पे एक ऐसी ही पुरानी बिल्डिंग थी, लेकिन ये सामने तिकोन देख रही हो. यस यस, ये आपको कराची कलकत्ता मुंबई में मिलते हैं. ओह वाओ, और भी दुनिया में बाकी जगह खूबसूरत वो है, ये जो बीच का वो है उसके साइडों पे दो, बाकी दुनिया में भी मिलते हैं, लेकिन मैं कह रही हूं अपने सब कॉन्टिनेंट में, मैं कह रही हूं कि अंग्रेजों की तरह है कोई. वो दरमियान में वो जो ब्राउन दरवाजा है. हाँ. वो कितना कूल लग रहा है, बालकनी उस पे कितना अच्छा. हाँ. कोई साहब कोई गुजरे हमारे सामने सुनकर क्लोज अप आ गया. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि बैंक सेंटर ऑफ दिस कंटोनमेंट इतने स्कूल्स हैं, इतने स्कूल्स हैं. और पहले तो यही स्कूल्स होते थे, मेन स्कूल्स थे. ये सेंट पॉल्स है. अब ये स्कूल भी बहुत पुराना है, सेंट पैट्रिक्स. अभी आप देखेंगी जीसस एंड मैरी, ये सब दीज वर द स्कूल्स. या मामा पारसी. ओह यस, मामा पारसी, बीवीएस. अच्छा, वो भी होता है ना, आयशा भवानी. आयशा भवानी इनसे कम पुराना है, लेकिन पुराना है. बट लाइक द नेम्स दैट यू, एनजेवी बहुत पुराना स्कूल है. ये सब बहुत पुराना. और एनजेवी इज द ओनली स्कूल दैट आई नो ऑफ जो सिंधी मीडियम था. ओके, सिंधी मीडियम स्कूल. अब उसको एक और ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट कर लिया, एंड दे हैव डन वंडर्स विद इट. अदरवाइज वो भी बिल्डिंग काफी खराब हो रही थी. इट्स क्वाइट एन आइकॉनिक बिल्डिंग. तो आप लोगों की जब आप लोग पढ़ रहे तो ये होता था सिंधी लेना जरूरी है, ये ऑप्शन होता था या कंपलसरी थी? कंपलसरी. हाँ, मैं काफी अच्छी सिंधी बोल लेती थी. मेरे बहुत सारे दोस्त सिंधी थे. जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करती थी, साथी बारड़ा संगत नाम था उसका, तो हम सब वो मेरे से सिंधी में ही बात करते थे, तो काफी मेरी फेमिलियरिटी थी. अब जाहिर भूल भाल गई हूँ अब तो. अच्छा, एक और चीज बचा है, मैंने प्ले भी किया हुआ है सिंधी और बलोची में. हाँ, बलोची भी आती है आपको? हाँ, थोड़ी बहुत. और अब हम कहाँ जा रहे हैं? ये है जी आइकॉनिक, आपकी आइकॉनिक, हर चीज आइकॉनिक है. सॉरी गाइस, बिकॉज इट्स सदर. ये वो सेकेंड हैंड फर्नीचर मार्केट है. ये भी यहाँ पे, और ये सब अब जरा और कंजेस्टेड हो गई हैं, लेकिन यहाँ पे पूरे स्पेयर पार्ट्स की और रिपेयर्स की और इन चीजों की दुकानें थी. भाई, हमारा लव फॉर कराची, यू कैन सी, सो वी विल कॉल एवरीथिंग आइकॉनिक, बिकॉज़ दिस फॉर अस इट्स आइकॉनिक. नो, आल्सो बिकॉज़ इट्स सदर, कांट बी हेल्प. या पहले एवरीथिंग वुड हैपन फ्रॉम हियर. आपको मैं एक बात, तो लोग हंसेंगे मेरी इस बात पे, बट एक जमाने में यूरोप
गई और मैंने यूरोप में डिफरेंट चीजें देखी, मतलब एरियाज देखे, हाँ. तो मुझे पाकिस्तान इतना याद आता था, मुझे लगता था अब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, बट यू नो उनकी उन्होंने छोटी छोटी चीजें इस तरह रखी हुई, गलियां रखी हुई थी, क्योंकि मैंने पाकिस्तान देखा हुआ है बहुत, तो मैं कहती थी ये चीजें हमारे पास भी है, हमने सिर्फ उसको मार्केट नहीं किया है, हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे टूरिज्म में इस तरीके से, यू नो. और मुझे बड़ा दिल में कुछ होता था, तो इसलिए भी नाउ यू गाइस कैन फील के अब जब मैं कराची को एक्सप्लोर करा रही हूँ तो मेरे लिए वो आइकॉनिक चीजें हो जाती हैं, कि मुझे लगता है कि यार ये इसका टूर ये सारी दीवार जो आप देख रहे हैं ना, ये पारसी जिमखाना है. ओह ओके. ये और सामने सेंट पैट्रिक्स कॉलेज है, इसको मैंने कैच कर लिया. यस यस, ये आप देख सकते हैं 1952 ये भी लिखा हुआ है. हां 1952 ये बहुत बाद में बना है, मतलब 52 हमारे हिसाब से लेट है, क्योंकि अभी आप देखेंगे सेंट जोसेफ्स का 1948 मैंने आपसे कहा था आप पहुंच जाएंगी सेंट जोसेफ, बिल्कुल जी, सदर, ओह माय गॉड, इतना अच्छा डिजाइन था, प्लीज प्लीज ये आप चेक करें, एंड लुक एट द बिल्डिंग, इट्स सो ब्यूटीफुल, लुक एट द बिल्डिंग एंड लुक एट द बिल्डिंग्स अराउंड इट आल्सो. यस, दिस ब्रास की शॉप हैज बीन हियर फॉरएवर. आई थिंक दिस हैज जस्ट बीन पास्ड ऑन टू जनरेशंस. मैं तो सिर्फ ना अभी सेंट जोसेफ, ये है जी आपका सेंट पैट्रिक्स चर्च, ये है जी सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट जिसके ऊपर लिखा हुआ है 1862. Okay, 1862. Daughters of the Cross, Karachi. Karachi. ये कितना है? आर से रेडियो पाकिस्तान, जाल से जखीरा. Wow, I love these. किस दिल दाल से दिया राम जेठ मिलानी. Mill Science College. Oh, these are such lovely. Yeah. ये जिसका भी idea है बहुत अच्छा idea है. है ना? ये कराची का एक वो नहीं होता. I'm Karachi. ये उनका है. अच्छा ये उनका इनिशिएटिव है. ये वो कर रहे हैं. हां माय फेवरेट इज आरसी रेडियो पाकिस्तान. हां माय नेम इज, अच्छा मैंने अब रियलाइज किया मैं आर से कह रही हूं, र से राबिया भी होता है ना, इसलिए. हम सेंट जोसेफ पहुंच चुके हैं फाइनली. आई एम सो एक्साइटेड. मैं तो पता नहीं कितने सालों बाद इस एरिया में आ रही हूं. सी यू इनसाइड सेंट जोसेफ. हम जा रहे हैं मकई लेने. हमें मकई वाला नजर आ गया है. पहले वहाँ एक ठेला लगता था, ठीक है, जिसमें बहुत सारी स्वीट्स और इमलियाँ और कटारे वो सब मिला करते थे, तो परफेक्ट. और हमें ना स्कूल से बाहर निकलने नहीं देते थे. फ्रांसिस थे हमारे गेटकीपर. यस, और फ्रांसिस को पूरी दुनिया जानती थी, और फ्रांसिस की इतनी दहशत थी कि वो पेरेंट्स को भी डांट देते थे कि नहीं ये नहीं हो सकता. अरे भैया है, गर्म है, गर्म है कि ठंडा है? नहीं है. स्कूल टाइम के लिए करते हो? वो बैठा हुआ सारा निकाल रहा है. कितने निकालते हो? ये तो फटाफट जाते होंगे. एक दिन में कितने निकालते हैं आप? एक दिन में कितने निकालते हैं? पूरा निकाल लेते हैं. ठीक है, चले जी, हम मकई नहीं खा सकते, हम अंदर चलते हैं. अच्छा वो भी है, ब्रंच स्नैक्स कुछ नजर आ रहा है मुझे. अच्छा वो जो है ना, वहाँ से मिलता था चिकन कॉर्न सूप. और वहाँ से दौड़ लगती थी क्योंकि वो लिमिटेड होता था, थोड़ा सा बनता था. तो कौन वहाँ से छुट्टी के वक्त वो ले सकता है और किसको मिल जाएगा? और वो थैली में देते थे, प्लास्टिक की थैली में, विच इज ऑफ कोर्स नाउ अ सिन, बट देते थे, और उसमें स्ट्रॉ डाल के देते थे. आई हैव हर्ड, मैंने कभी ट्राई, बिकॉज़ आई एम नॉट फ्रॉम सेंट जोसेफ, बट मैंने ये सारे किस्से सुने हैं कहानियां फ्रॉम माय सिस्टर्स, एंड वैसे भी जनरली भी, यू नो, कि जिससे भी बात करो तो ये मशहूर चीजें हैं. जब आप यहाँ रोज आते हैं ना 10-12-15 साल जी, तो आप इसको इतना अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन जब आप आते हैं 10-10 साल के बाद, ट्रू तो आपको एहसास होता है. हम कहाँ हैं? हम एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह हैं. ये नई जो बिल्डिंग बनी है, यहाँ पे मिसेज लोबो का म्यूजिक शेड था. ओके, ये मेरे लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट जगह थी. यहाँ से वो अपने सारे प्लेज
और सब चीज़ें यहाँ से ऑर्केस्ट्रेट करती थी और उनका म्यूजिक रूम भी यहाँ था. ओके यहाँ मेरी ज़िंदगी की पहली परफॉर्मेंस हुई थी जो अभी आपको गार्डन नजर आ रहा है. इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है. ये मेरी ज़िंदगी की पहली परफॉर्मेंस यहाँ की एंड आई प्लेड एन ओल्ड वुमन. कितनी बड़ी थी आप उस वक्त? आई थिंक आई मस्ट हैव बीन 6-7 years old. मगर तो वो ऐसे आपने वो बाल से फेंक दिए और वो तस्वीर भी है मेरे पास ऐसे करके. और मिसेस लोबो का कमाल ये था कि वो हर प्रोग्राम में पूरे स्कूल को इनकॉर्पोरेट करती थी. लाइक ऑल द चिल्ड्रन वुड बी इनवॉल्व. माशाल्लाह. तो एक अंग्रेजी का बड़ा प्रोग्राम होता था, एक उर्दू का बड़ा प्रोग्राम होता था. तो माय फर्स्ट परफॉर्मेंस वाज इन उर्दू. और क्या थी वो? एक पूरा, अरे वो बहुत मजे की ड्रामा था. हाँ वो ड्रामा था, उर्दू का ड्रामा था और उसमें था म्यूजिकल था और वो लाइफ का पूरा स्पैन था. पैदा होता है बच्चा, बड़ा होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है. कॉम्प्लिकेटेड नहीं चीज़ें वो बनाती थी. और वो शी वाज, आई थिंक शी वाज इन माय इनिशियल इयर्स, वो मेरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट. आई थिंक जो लोग सेंट जोसेफ के सुन रहे होंगे ना, दे वो उनको याद कर रहे होंगे इस वक्त, यू नो. और अच्छा मुझे इतना मजे का लगा, अभी हमारे पीछे ना प्लेग्राउंड है जिसपे बच्चे मंकी बार पे लटक रहे हैं और मेरी गो राउंड है और मुझे मेरा दिल चाह रहा है मैं भी जाके है ना, स्पेशली वो मंकी बार पे. अच्छा पता है वहाँ एक पॉन्ड होता था, उसमें टर्टल्स थे. और चेक करते हैं अभी है या नहीं है? नहीं अब नहीं है, ये सब बंद हो गया है. और एक शेड भी था जिसमें दोनों तरफ, बहुत खूबसूरत शेड था वो. ओके उसके दोनों तरफ प्लांट्स लगे हुए थे और बस बीच में से एक गुजरने का रास्ता था, बेंचेस लगी हुई थी. सो प्रिटी, वेरी प्रिटी. बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ. ये सारा कैम्ब्रिज सेक्शन है, ये भी, ये लुक एट दिस बिल्डिंग, आई मीन लाइक लुक एट दिस बिल्डिंग. It could have been anywhere in Europe, right? Yeah. Look at that. ऊपर जो बने हुए, क्या छज्जे, क्या बोलेंगे इसको? हाँ, वो जो कवर किया हुआ है. हाँ, क्या नाम होगा? और वो खिड़की के कैसे दो वो हैं? It's so beautiful. And please notice के कितना अच्छा सेंट जोसेफ्स ने इसको maintain किया हुआ है. और यहाँ पे हजारों बच्चा पढ़ता है. सो अगर कोई वाकई करना चाहे तो वो कर सकता है. लाइक हजारों बच्चा यहाँ पढ़ता है. अभी आपको आवाजें भी पीछे से आ रही होंगी चीखों की. और कुछ डैमेज नहीं होता यहाँ. तो ओनरशिप की बात है सिर्फ. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल किसी भी और स्कूल में इतनी बड़ी हॉकी फील्ड है. और शायद हम अंदर ना जा सके, मैं आपको बाहर से दिखाना चाहती हूँ. जो ब्लू गेट है उसमें से हम यहाँ से एक झांक सकते हैं. हाँ. क्योंकि वो बहुत बड़ा है, आप उसके अंदर जाके कुछ खास नहीं कर सकते. तो ये कराची का सबसे बड़ा हॉकी फील्ड होगा आप कहेंगे? आई थिंक सो. स्कूल में, गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स स्कूल में. और हमारी स्पोर्ट्स की टीम्स बहुत मशहूर थी हमारे जमाने में, तो थी. और हम बहुत ही डाढ़े प्लेयर्स थे. आप क्या क्या खेलती थी? मैं वॉलीबॉल और बेसबॉल. आई लव बेसबॉल. जब वो होता है ना वो मुझे स्ट्राइक स्ट्राइक और वो जो भाग के आते हैं और फिर आप वो क्या बेस कंप्लीट होता है क्या? होम रन. मुझे टर्म्स नहीं आती, सॉरी. तो इतना मजे का फीलिंग होती है ना. दैट इज ये यहाँ में ये है लॉर्ड्स हाउस. Okay. लोरेटो हाउस उस एंड पे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी. तो ये आपके हाउसेस होते थे आप लोगों के? ये इस बिल्डिंग का नाम है. ओके okay. मगर ये प्राइमरी सेक्शन है. आप भी देख, आप भी दिखाई नहीं इस तरह हम करें. ये प्राइमरी सेक्शन है. ओके इट्स कॉल्ड द लॉर्ड्स हाउस. बट अगेन लुक एट द कलर कॉम्बिनेशन. हाँ नाइस. ये अभी पेंट हो गया था, बस इट वाज ऑल येलो. येलो ओके. इट वाज ऑल येलो. इट वाज द दिस ब्रिक, द ओरिजिनल ब्रिक. तो कुछ चीजें जाहिर है जब वो 160 साल पुरानी हो जाती हैं तो फिर उनको मेंटेन करने के लिए कुछ तो करो. लेकिन अभी हमारे सामने जो व्यू है, मन सब ले रहे हैं इसको. यहाँ पे हमारा स्पोर्ट्स डे होता था और पूरे स्कूल का बच्चा यहाँ अपने अपने रेसेस और अपने जो भी गेम्स होते थे. बराबर में और कोनों पे दरख्त हैं इसके सारे, जो छांव भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा देता होगा. नॉट दैट वी केयर्ड अबाउट छांव एट दैट टाइम, वी जस्ट वांटेड टू प्ले एंड रन अराउंड. अभी यहाँ सब ये डेब्रिस पड़ा हुआ है, अदरवाइज यहाँ मेरी स्कूल की बस खड़ी होती थी. यहाँ पे जो जिस वैन में मैं छोटी गाड़ी में आती थी वो सुजुकी हुड वाली जो होती है वो यहाँ होती थी. ये अंदर का एरिया नहीं है? हाँ हमारी एक टीचर थी मिस अज़रा, उनकी अपनी वैन थी वो, और उसमें वो हम सबको पिक करके और ड्रॉप, उनकी सर्विस थी. ओके वो गाड़ी यहाँ खड़ी होती थी मगर जो बड़ी वाली बसेस थी ना वो वहाँ खड़ी होती थी. एंड द बड़ी बसेस वर लाइक बड़ी बसेस, लाइक प्रॉपर बसेस.
वो यहाँ खड़ी होती थी, ये बिल्डिंग नई है लाइब्रेरी की, ये वाली ना, ये वाली तो अभी मेरे भी जाने के पता नहीं, अभी कुछ कुछ साल पहले बनी है, वो लग रहा है, फर्क लग रहा है उसका, हाँ बहुत फर्क है, और नीचे पार्किंग भी है, वरना ये टेनिस कोर्ट था, ओ ये टेनिस कोर्ट था और पीछे केमिस्ट्री की लैब जो थी। एक बात मैं नोटिस कर रही हूँ कि स्कूल कितना पुराना है बट उसमें सारी फैसिलिटीज जो हैं गेम्स की, स्पोर्ट्स की वो हैं, लाइब्रेरी, यू नो बेसबॉल का, वो हॉकी का पूरा ग्राउंड एवरीथिंग। अच्छा जी, हम पहुँच गए हैं अब्दुल्ला की कैंटीन, लेट्स चेक आउट कि यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ से क्या मिलता था उस वक्त अब्दुल्ला की कैंटीन से क्या मिलता था? यार अब्दुल्ला की कैंटीन पे अब तो प्लास्टिक के जार्स आ गए, शीशे के जार्स थे, और मिल्क ट्रॉफीज और इमली और समोसे ताज़ा बने हुए, पैटीज ताज़ा बने हुए आते थे और जाते थे। अस्सलाम वालेकुम। अब तो यहाँ सब पैकेट वाली चीज़ें मिलती हैं। कुछ ताज़ा है अभी? वैसे होता है क्या आपके पास, क्या होता है? पिज़्ज़ा, चिकन रोल, समोसे। हाँ मगर वो स्कूल टाइम पे होते होंगे ना। हाँ तो अब्दुल्ला की कैंटीन का कुछ वाकया, कुछ किस्सा? अब्दुल्ला की कैंटीन पे पैसे कितने होते थे, कितने में आपकी कच्ची वो आ जाती थी? सो फनी, एक दो रुपए में हम सब कुछ खा लिया करते थे। क्या क्या होता था? दो रुपए में क्या क्या मिलता था? सब हम आई थिंक 5 रुपए में समोसा और एक कोल्ड ड्रिंक, और उसमें से कुछ चिल्लड़ बच जाता था तो फिर इमली या हम मिल्क टॉफी खा लिया करते थे। वो मीठी वाली, खट्टी मीठी वाली इमली, इमली मिलती थी। अब पता नहीं, अब नहीं होती ना इमली, नहीं होती। मिल्क टॉफी होती है? मिल्क टॉफी आई नहीं रही। कोई घर पे बनाता था ना अपने? ओके ओके, कोई घर पे बनाता था, अब नहीं आती। और दूसरी कैंटीन कौन सी थी? मिसेस वेलोज की कैंटीन थी, और वो बड़ी कैंटीन थी। ये तो प्राइमरी के लिए थी, लेकिन जो रश और मारामारी होती थी उस जमाने में, एक ड्रिंक आती थी क्रश। ओके। क्रश में ऑरेंज फ्लेवर होता था, पाइनएप्पल होता था, तो हमें, हम प्रेफर करते थे कोक, जैसे कहते थे नहीं पियो, या ओ गॉड, हम ब्रांड, हम ब्रांड नेम्स ना धड़ाधड़, कोलास नहीं पियो, मतलब काली ड्रिंक्स नहीं पियो, तो हम वो क्रश पीते थे क्योंकि वो ऑरेंज था। अब तो नहीं होती क्रश? अब नहीं होती। आई डोंट रिमेंबर सीइंग इट। अच्छा किधर है मिसेस वेलोज की कैंटीन? मिसेस वेलोज की कैंटीन वो सेंट पे है, बंद होगी। ओ वो एंड पे है वहाँ बिल्कुल। ओके ओके। अच्छा अब हम किस सेक्शन में जा रहे हैं? हमने सोचा था यहाँ से कुछ खाएंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसी, अनलेस आपको ये कुछ स्वीट्स ट्राई करनी है तो नहीं ट्राई करना चाहते। तो चल बच्चे बच्चे ही ठीक है, ये सब खाते हैं, उनको भी नहीं खानी चाहिए वैसे। नहीं, हम सदर में बाहर निकलने के बाहर देखते हैं कि बाहर आसपास हमें कुछ, वो जो सामने दुकान थी उधर से हम कुछ ट्राई कर सकते हैं। हाँ अगर वहाँ पे भी वो कुछ मिलता है, चिकन कॉर्न सूप जो आप कह रही थी। चीज़ मैं दिखाती हूँ, ये हॉल था हमारा, ये वाला जो है ना, एंड अगर हम अंदर झांक सकें तो मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे पहली इनिशियल परफॉर्मेंसेज यहाँ की हैं। और अभी कुछ साल पहले दे आल्सो दे वर कमेमोरेटिंग देयर स्टूडेंट्स, तो आपको बुलाया था? तो बुलाया था। ओह दैट मस्ट हैव बीन सो नाइस। या आई केम विद माय मॉम एंड आई मेड हर टेक द अवार्ड फॉर मी, बिकॉज़ आई एम हियर ऑल बिकॉज़ शी थॉट ऑफ ब्रिंगिंग मी हियर टू दिस स्कूल। देखो झांक लो एक दफा प्लीज मेरे कहने पे, कि 1862 में बने हुए। आई एम जस्ट एंजॉयिंग योर एंथुसियाज्म अबाउट इट। सी देयर वाज द स्टेज, ओके, दिस इज द स्टेज दैट आई परफॉर्मड ऑन फॉर द फर्स्ट टाइम। वाओ, हम ऐसे चोरों की ना छुप छुप के देख रहे हैं। लुक एट इट, लिखा हुआ है कंटिन्यूड एक्सीलेंस इन एजुकेशन सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल। या एंड लुक एट द साइज ऑफ दिस ऑडिटोरियम। हेलो Not outside the gate, but nowadays it's just the opposite. Outside the gate they do the fun and inside they are strict. Yeah. I'm a strict principal. But aapke liye kitna proud moment hota hoga na ab apne in sab students ko dekhte ho. Yeah, I know. I feel so happy that what they are today. Yeah. We were strict. They still say hum jo kuch bane hain St. Joseph se bane. Sahi baat hai. It but at that life. Time nobody likes school, you know. No, everybody would say so strict they would run away. Yeah. And if they spoke in Urdu, they were charged. Really? Yeah, we were fined 10 rupees. Fined 10 rupees. मुझे तो नहीं charge करेंगे ना, मुझे तो नहीं fine करेंगे आप. Now 50. I will speak in English now. But you know, despite the fact that we focused on English a lot,
so that kids learned how to speak English, because nobody was speaking English at home back then. Yeah. Now Urdu was particularly focused on. Yeah. Meri Urdu jitni achhi hai, wo hamari Urdu teachers ki wajah se achhi hai. Ms. Rashid, Ms. Azim, Mrs. Riaz. All have gone to heaven. All have gone to heaven, and they must be taking their Urdu class there. And those nuktas. Zabar Pesh was stressed on. Yeah, और हम वो मैं बता रही थी ना, पूरा प्रोग्राम हमारा एक अंग्रेज़ी में होता था, एक उर्दू में होता था. और हमारे उर्दू के प्रोग्राम को मिसेज लोबो के साथ मिलके बनाती थी मिस रशीद. और बहुत तवज्जो दी जाती थी उर्दू पे. तो ये जो कहते हैं ना, हमने कॉन्वेंट में पढ़ा इसलिए हमें उर्दू नहीं आती. ना ना ना, गलत बात करते हैं. हमने सारे ड्रामे किए बात कर ले. यहाँ पे सिस्टर सिसिलिया का पियानो रखा होता था. पियानो आपका दिल चाहता था आप उठे और कुछ करें, यू नो, हाथ पैर कुछ हिलाए. She was Frances Mary also pretty display was. Yeah. She knew each and everybody which line is, you've done something wrong, you've done so. Wow. Aur itne dhere sare bachche hote the. Haan. She knew them by name and she knew them by whatever job they were supposed to do. Okay, let's switch on the lights aur hum wahan baith ke baat karte hain. Jo main keh rahi thi na ki agar koi maintain karna chahe, preserve karna chahe koi cheez, to kitni kuch to cheeze girengi, kharab hongi, lekin kuch cheeze अगर करना चाहें, ये जो पीछे आपको नज़र आ रहा है ना, ये फ्रेम और इसमें जो स्ट्रॉज लगे हुए हैं, ये मेरे ज़माने से पहले से लगे हुए हैं. वाओ. एंड आई हैव पास्ड आउट फ्रॉम द स्कूल इन 88. आई केम हियर इन 76. सो यू कैन इमेजिन. एंड एवरीथिंग, नॉट जस्ट दिस, एवरीथिंग सो वेल मेंटेन, एवरीथिंग माशाल्लाह. सो वी वर टॉकिंग अबाउट पीपल नॉट वांटिंग टू प्रिजर्व द सिटी. You know, so if you really want Karachi. To, if you really want to, it's expensive. The upkeep is expensive, but if you don't keep it, what will happen? Very good. It will be in ruins in no time because sandy, salty water here and there. So it goes on. Sure. So every summer we maintain the whole place. Wow. We've done the tiles. The tiles have now. Changed we, a bit. We can see the addition of new things, but we still have the old feeling. I'm better. Ye original hai, by the way. ये फ्लोर ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है. जिंदगी आपको कैसे मोड़ पे लेके आती है. मी ऑफ ऑल द पीपल नेवर थॉट, नेवर इमेजिन कि मैं सेंट जोसेफ्स के इस ऑडिटोरियम में अंदर बैठी होंगी और मैं सानिया के साथ इस तरह गप्पे लगा रही होंगी और हम लोग इस तरह सेंट जोसेफ्स को टूर. आई रियली नेवर थॉट. एंड मुझे इतना एक अजीब सी फीलिंग हो रही है. एंड आई एम जस्ट, मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है. मेरी ये ख्वाहिश है कि जो आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं, हमारे जो लोग हैं जिन्होंने कुछ किया है, वो इंस्टीट्यूट्स या एक छोटी सी, हम उसको किसी तरीके से कैप्चर करके आर्काइव में डाल दें कि आने वाली जनरेशन्स जो हैं उनके पास कुछ तो देखने को. उनके पास अगर हम अब रिसर्च करें तो हमें नहीं मिलता कुछ भी अपने कराची या मुल्क के बारे में, पाकिस्तान के बारे में. हाँ, कुछ नहीं मिलता आपको. और जो थी भी बिल्डिंग्स कराची की, वो हमने रुइन कर दी. आप बाहर पढ़ रही थी वो आई एम कराची वाला जो उन्होंने बनाए हुए हैं दीवार पे, जो रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग है, खत्म हो गई, आग लग गई थी उसमें. उसके बिल्कुल सामने थियोसॉफिकल हॉल था जो बहुत पुराना थिएटर का ऑडिटोरियम है. वहाँ पे गुजराती प्लेज होते थे, वहाँ पारसी डायरेक्टर्स अपने प्लेज करते थे. नेवर थॉट कि देयर वुड बी अ पारसी डायरेक्टर आल्सो. वो पारसी प्लेज होते थे बाकायदा इन इंग्लिश. देयर वाज अ होल क्रिश्चियन कम्युनिटी दैट वर म्यूजिशियंस एंड दे वुड प्ले इन इवन मेट्रोपोल. मेट्रोपोल होटल में
और बाकायदा उनके प्रोग्राम्स होते थे एंड देवर और वो बड़े मशहूर बहुत अच्छे म्यूजिशंस थे जो धीरे धीरे करके ख़त्म हो गए क्योंकि वो जगह भी ख़त्म हो गई और ऑडियंसेस भी ख़त्म हो गई. सो मुझे तो लग रहा है अल्लाह ने आज मुझे बड़ा एक इज्जत का मुकाम दिया है कि मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करी हूँ आपके साथ. अच्छा आप मुझे बता रही थी गोइंग बैक टू दिस कि ये जो आपको चेक नज़र आ रहा है ना ये ओरिजिनल है. ये फ्लोर ओरिजिनल है लेकिन क्योंकि ये टूट रहा होगा यकीनन ये तकरीबन अब मैं 175 कह रही थी सिस्टर जूली सेड 161 सो ये 161 ईयर्स पुराना तो ये टूट रहा होगा क्योंकि इस पर से बच्चे इतना चढ़ते उतरते कूदते थे. इमेजिन यहाँ पीटी होती है और यहाँ पे गेम्स और जिमनास्टिक्स होते हैं फिर भी ये फ्लोर जिंदा सलामत है. अच्छा आप मुझे बता रही थी कि आपके टाइम पे स्कूल में पढ़ना एक बड़ी चीज़ थी. इन व्हाट सेंस? मेबी इन द सेंस के सेंट जोसेफ में आसानी से दाखला नहीं मिलता था. ये तो बात अभी भी नहीं मिलता लेकिन एक टाइम पे तो वो बड़ा प्रेस्टिजियस होता था. यू नो कि सेंट जोसेफ में एडमिशन वाओ. और अम्मी को मेरी बहुत शौक था कि मैं यहाँ पढ़ूँ. अच्छा लेकिन हम रहते थे बहुत दूर यहाँ से तो सिर्फ वैसे तो एडमिशन मेरा हो गया क्योंकि वो तो टेस्ट दिया पास हो गया जो भी. लेकिन यहाँ आना जाना लॉजिस्टिक्स बहुत मुश्किल थे. फिर मेरी अम्मी ख़ुद भी पढ़ती थी उस वक्त वो अपना मॉन्टेसरी कोर्स कर रही थी और फिर वो जॉब भी करती थी तो जिस तरह से उन्होंने हम सब बहन भाइयों की एजुकेशन और उसके अलावा इतने कुछ को मैनेज किया है ना. वो जो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ जब सेंट जोसेफ्स ने मुझे एक अवार्ड दिया फॉर बीइंग एन अचीवर विद अ लॉट ऑफ अदर स्टूडेंट्स हु वर आल्सो हियर. कुछ मुझसे जूनियर थे कुछ मेरे साथ के थे कुछ मुझसे सीनियर भी थे. तो वो आई वांटेड हर टू टेक दैट अवार्ड बिकॉज दिस वाज ऑल हर. इट वाज ऑल हर. सब उन्होंने अब मुझे समझ आ रही है जो आप कह रही हैं कि उनकी डेडिकेशन और उनकी वो एफर्ट थी जिसकी वजह से. और ये पता है बहुत ज़रूरी है जब पेरेंट्स बच्चों को स्कूल में डाल देते हैं ना अच्छे बड़े स्कूल में डाल के वो सोचते हैं कि बस हो गया स्कूल करेगा. लेकिन मैं आपको सच बताऊँ मैं इस स्कूल के जिसको मैं इतना चेरिश और वैल्यू करती हूँ अब ज़्यादा पहले से. पहले ज़ाहिर है वो उस वक्त मुझे बड़ा बुरा लगता था कि ये इतने सख्त हैं जैसे सिस्टर जूली कह रही थी. बहुत सख्ती थी. कॉन्वेंट है भाई ज़ाहिर है सख्ती यू नो. तो एंड आई डोंट डू वेल विद दिस काइंड ऑफ रेजिमेंटेटिव. तो मुझे बहुत बुरा लगता था लेकिन नाउ आई Despite the strictness, I value the quality of education jo mujhe yahan and the quality of life I think jo aapne apne growing years mein yahan guzari because college and school yahi to guzarte hain hum zyada time. Yeah. To main aapko bata rahi thi ki yahan is school mein halanki I was so fond of Mrs. Lobo jis din unka intiqal hua ummi hi batati hain mujhe yaad nahi hai ki bas tum ghar aaye aur ghar aake so gayi thi and you slept through the day through the night. मगर मिसेस लोबो ने मुझे कभी नहीं कहा था कि तुम बहुत अच्छा गाती हो या तुम बहुत अच्छा. उन्होंने हमेशा मुझे गाने में तो मैं फेल हो जाती थी और मगर वो क्या करती थी कि ये ट्राई करो वो ट्राई करो अच्छा ट्राइंगल्स पे आ जाओ अच्छा वो क्लैपर्स पे आ जाओ अच्छा आप ड्रम पे आ जाओ. तो ये तरक्की करके मैं ड्रम तक पहुँच गई थी बट नेवर टू सिंगिंग. ओके यू नो मैंने यहाँ जब जब जिस जिस चीज़ का ऑडिशन दिया मुझे टीचर्स ने फेल कर दिया. ओके मैं कभी पास नहीं हुई. जब मैं स्कूल में फेल हो रही थी मैं प्रेस क्लब में थिएटर कर रही थी. मैं असलम अजहर की डायरेक्शन में थिएटर कर रही थी जब व्हेन स्कूल वाज फेलिंग इन देयर ऑडिशंस. ओके जब वो मुझे कहते थे आप नहीं गाना गा सकते एक उस्ताद मुझे घर पर गाना सिखाने के लिए आ रहे थे. ओके द थिंग इज़ जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात लगती है कि जब पेरेंट्स बच्चों को स्कूल में डाल के भूल जाते हैं ना कि अच्छा स्कूल करे सब कुछ. नहीं स्कूल सब कुछ नहीं कर सकता. वो आपके बच्चे को इंडिविजुअली उस तरह नहीं जानता जिस तरह आप जानते हैं. सही बात है. सो यहाँ जब मैं एक पहली दफ़ा क्या हुआ कि कराची में रेसिटेशन कॉम्पटिशन्स होते थे और ऐसे राइटिंग कॉम्पटिशन्स होते थे और अभी भी होते होंगे आई एम श्योर. तो यहाँ स्कूल ने नहीं भेजा अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव. ओके मेरी अम्मी ने मुझे इंडिविजुअली इनरोल कराया सर सैयद कॉलेज लेके गई. ओके वहाँ पे वो मुकाबला हुआ और वहाँ पे मुझे थर्ड प्राइज़ मिला. वो आज तक मुझे वो किताब भी है मेरे पास वो नज़म भी मुझे
थोड़ी बहुत याद है, छुन 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 नाम था उसका, मैं सब बच्चों को कहती हूँ, एक एक दफा तो सब याद कर लो। अब आप सुनाइएगा जो जो याद है आपको उसमें से। चुन, तो चुन, वो मेरे लिए बहुत दिलचस्प बात यूँ रही कि जहाँ जहाँ स्कूल ने नहीं मुझे उस तरह सपोर्ट किया, क्योंकि यहाँ तो एक क्लास में 45-40 बच्चा था, वहाँ इंडिविजुअली मेरे माँ बाप की नज़र बहुत करीब से देख रही थी हम बहन भाइयों को। बिल्कुल, तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि डिस्पाइट दैट यू सेंट योर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल इन द सिटी, यू हैव टू बी प्रेजेंट इन योर चाइल्ड्स लाइफ। बिकॉज जब यहाँ से आप डिसअपॉइंटेड घर जाते हैं, आप कहते हैं यार मैंने फेल कर दिया, अम्मी ने तो मुझे ऐसे सिखाया था, वो तो कह रही नहीं ऐसे नहीं करो, तो वहाँ ज़्यादा वक्त मैं अपने पेरेंट्स के साथ गुजार रही हूँ। ये आपने इतनी अच्छी बात, मेरा सवाल भी था कि टीचर्स थोड़ा सा डिफरेंट था कि टीचर्स मेंटोर्स होते हैं, हाउ इम्पोर्टेंट आर टीचर्स एज मेंटोर्स आपकी ज़िंदगी में, कोई दो तीन चीज़ें जो आपके टीचर्स ने आपको सिखाई हो यहाँ से जो आप शेयर कर सकती हैं? सब, मैं तो बेतहाशा नाम ले सकती हूँ। मिस रशीद हालांकि बहुत स्ट्रिक्ट थी, बहुत स्ट्रिक्ट थी, लेकिन जो उर्दू मुझे आती है वो बेसिक्स मिस रशीद के सिखाए में। मिसेस लोबो, मैं बार बार उनका नाम लेती हूँ, मिसेस लोबो, शी वॉज माई फेवरेट पर्सन इन द होल वर्ल्ड व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। मिसेस हयात वाज माई फेवरेट पर्सन। मिसेस हयात क्या पढ़ाती थी? मिसेस हयात हमारी क्लास टीचर थी, क्लास 3 की, फिर क्लास 5 में भी शायद वो वापस आई थी। वो इंग्लिश पढ़ाती थी और इतनी जेंटल, इतनी काइंड, वो साड़ी पहनती थी, मैं आज साड़ी पहनने वाली थी बिकॉज मेरी सब फेवरेट टीचर साड़ी पहनती थी, मिस रशीद साड़ी पहनती थी। तो उधर से आपको साड़ी का शौक उनसे भी है? अम्मी पहनती थी मेरी, और फिर मेरे टीचर्स भी पहनते थे, मिस अजीम भी साड़ी पहनती थी, बहुत सारे टीचर्स साड़ी पहनते थे, मिस जाफरी साड़ी पहनती थी जो हमारी बायोलॉजी की टीचर थी। तो टीचर्स डेफिनेटली मेंटर्स तो होते हैं, लेकिन अच्छे टीचर्स वो होते हैं जो आपको कुछ कुछ बेसिक क्यूज दे के ना आपको खुद से फ्लरिश करने दें और देखें कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपके टीचर्स ने ये किया और हमारे टीचर्स ने ये किया मेरा ख्याल है, हालांकि हम इतने बच्चे थे और कभी कभी बड़ा जलील भी कर देती थी क्योंकि दे हैड टू डील विद 45 चिल्ड्रन इन वन क्लास और 30 चिल्ड्रन इन वन क्लास। या करती थी जूलिया की सोच है, मिस रशीद वाज लाइक ओ गॉड यू। और किस टीचर सबसे ज्यादा डर लगता था आप लोगों को? ओ हो, हमारी नीडल वर्क की टीचर थी। और सबसे कौन सी टीचर थी जिनको आप लोग कहते थे यार इनको तो हम आराम से बात मनवा लेंगे, आराम से? ऐसा कोई नहीं था, ऐसा कोई नहीं था। ऐसा कोई था, लेकिन एक टीचर है जिनका मैं ज़रूर नाम लूँगी। शी कम्प्लीटली एक स्कूल के साथ ना मेरी एक एंगजाइटी थी बिकॉज मैंने जैसे कहा ना आई डोंट डू टू वेल विद टू मच रेजिमेंटेशन एंड अथॉरिटी एंड मिस सीमा। मिस सीमा, हाँ। वो क्या पढ़ाती थी? मिस सीमा वाज आल्सो माय क्लास टीचर इन क्लास 7th आई थिंक और 8th क्लास 8 एंड या सनफ्लावर्स की गेट हर मेमोरीज लाइक एन एलिफेंट। यस सनफ्लावर्स, और सिस्टर जूलिया में सब खड़ी बता रही है। 8 सनफ्लावर्स, यस यस, शी वाज द क्लास टीचर एंड शी changed something about me. Okay, like what? In I don't know. I think it was just, she was just so gentle. She's so gentle. I wanted to do things that she wanted me to do. So, उन्होंने inspire किया आपको? बहुत ज़्यादा। देखिए teachers कैसे आपको change करते हैं? Yeah. Absolutely. Absolutely. And Mrs. Hayat. Okay. Mrs. Hayat was also again very strict, but she is a fantastic teacher. I don't know kaise karti thi, but when you left the class you had already memorized, you already knew what she was teaching you. Okay. acha ye batao koi fun kissa kuch hua ho, milke kuch prank kiya ho aapas mein doston mein ya canteen se related kuch kahani sunaye? Prank to main nahi, serious bachchi thi aap? Seriously boring bachchi thi main. Acha, bahut boring bachchi thi. Kahin phansi? Phansi nahi. मैं येलो हाउस की कैप्टन भी थी वैसे गेम्स की, अभी मुझे याद आ गया। हमारी असेंबली होती थी, आप पढ़ाकू बच्ची थी? नहीं पढ़ाकू भी नहीं थी, बस बोरिंग थी, लाइक उख बच्ची थी बस। रियली? हाँ।
लाइब्रेरी से क्या उठाती थी आप सबसे ज्यादा? नॉवेल्स, कहानियाँ, बच्चों, अंग्रेजी. कौन से वाले? पता नहीं, उस वक्त तो बहुत थे, बहुत. और हमारा एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग रूल था, आई होप कि बाकी स्कूल्स में भी होता हो, सेंट जोसेफ्स में वी वुड बाइंड आवर बुक्स एंड वी वुड मेक श्योर, और वी वर टोल्ड, और हमें कहा जाता था कि उस पर लिखे नहीं, क्योंकि फिर हम उन्हें नेक्स्ट क्लास को दे सकते थे उन किताबों को. तो आई हैव स्टडीड अ लॉट फ्रॉम द बुक्स दैट वर पास्ड ऑन. और नोट्स भी होते होंगे उस पे. कुछ लड़कियां लिखती थी, कुछ नहीं लिखती थी. इनकरेज नहीं करते थे कि आप कॉपी पे लिखें, किताब पे नहीं लिखें. तो उसमें बहुत, और फिर ऐसे ही बुक डोनेशन भी होता था. तो हमारी क्लास की अपनी लाइब्रेरी भी होती थी, और फिर ये इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज भी थी हमारे पास. तो जो किताबें हम पढ़ चुके हैं, हम उन्हें बाइंड करके स्कूल को डोनेट कर सकते थे. तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से आपको आदत पड़ जाती है, अपनी सिर्फ अपने बारे में नहीं, आपने सोचना टू गिव बैक टू द कम्युनिटी ऑल्सो, टू गिव बैक टू पीपल. कुछ किताबें आउट ऑफ प्रिंट हो जाती थी, बाहर से आती थी कुछ किताबें, वो बहुत एक्सपेंसिव होती थी, सब बच्चे नहीं खरीद सकते थे. सेकेंड हैंड बुक सस्ती होती थी, एंड यू नो देयर इज नो शेम, देयर बुक्स, लाइक देयर जस्ट क्लोथ्स एंड बुक्स, इट्स मेक, देयर इज नो शेम. तो इस छोटी छोटी चीज़ें मैंने यहाँ से सीखी. अब सफर कंटिन्यू करें बाहर दोबारा. करें, बिल्कुल. निकलते हैं हम. चलिए, हम लाइट्स बंद करते हैं. लाइट्स बंद करते और आप इंट्रोड्यूस कराएं, कौन है मुझे तो नहीं मालूम. ताज. ताज. ये ताज साहब हैं. ताज साहब हैं, स्कूल में होते थे, जब मैं होती थी तब भी होते थे, अब हम दोनों बूढ़े हो गए. कैसे हैं आप? सब वैसा ही चल रहा है, सब कुछ वैसा ही है. माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है. आप भी वैसे ही हैं. यार अभी बूढ़े हो गए. अच्छा, वो प्राइमरी स्कूल की तरफ ले जा रही हैं आपको, प्राइमरी ऑफिस. प्राइमरी ऑफिस लेके जा रही हैं. प्राइमरी ऑफिस जा रही हैं. थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. थैंक यू. जी, अब हम यहाँ बैठे हैं और पीछे से वो ज़बरदस्त व्यू आप लोग देख रहे हैं. जो मैं तो मैं बस मैं एक अलहदा ही उसमें चली गई हूँ माहौल में. सो मैं एक दो क्वेश्चन मैंने सोचा थोड़े सीरियस भी. आई ऑलवेज आस्क, आपसे तो वैसे ही इतनी सीरियस कॉन्वर्सेशन होती है. आपको क्या लगता है कि बिकॉज इतना जर्नी आपका, आपने काम भी किया है और बहुत डिफरेंट तरीके का काम भी किया है, और यू नो पर्सनल लाइफ में भी आपने चीज़ें ऊपर नीचे देखी होंगी, लड़कियों में क्या दो तीन चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, और कैसे वो लड़कियां एक्वायर करें? आज की जनरेशन को आप क्या बोलना चाहेंगी, दो तीन क्वालिटीज? एक तो मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगी, ठीक है, कि अब तो यू नो ये बहुत, अब बात कहने के भी अब अजीब लगता है, अगर आप कहें क्या नहीं, बच्चे इंटेलेक्चुअली बराबर होते हैं, लड़के लड़की भी, और एबिलिटीज़ में भी बराबर होते हैं. आप जिसको जितना संवारेंगे, जिसको जितनी अपॉर्चुनिटी देंगे, उतना ही वो अच्छा कारामद शख्स बनेगा. एक और चीज़ जो मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ ना, अ लॉट ऑफ द टाइम्स जो लड़कियाँ नहीं कर पाती, वो सिर्फ इसलिए बिकॉज जब वो बच्चे होते हैं ना, दे आर नॉट हर्ड. ओके, वो कॉन्फिडेंस सुनी नहीं जाती है, वो इमोशनली कॉन्फिडेंट नहीं होती हैं, और उनको डबल फाइट डालनी पड़ती है. इन व्हाट सेंस? पहले तो वो अपने आप को मजबूत करें, ठीक है, विच मीन्स बहुत सारी ओन सेल्फ, विच ऑल्सो मीन्स के बहुत सारी अहम बातें अपने बारे में उन्हें कोनों में डालनी पड़ती हैं, ठीक है, उनको यू नो अनइम्पॉर्टेंट कैटेगरी में डालना पड़ता है, क्योंकि उनको इस उनके सामने से बड़ी फाइट होती है. ठीक, अगर आप अपने बच्चों को एक्चुलाइज्ड देखना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों को वैसा देखना चाहते हैं जो वो हैं, जो उनकी सलाहियतें हैं, जिसमें वो खुश होते हैं, तो आपको अपने बच्चों को सुनना ज़रूर चाहिए. okay. उन्हें ट्रस्ट करें, और स्पेशल अगर बेटी है तो फिर उसे ज़रूर सुने. ज़रूर सुने और ज़रूर ट्रस्ट करें. ठीक, और तीसरे ये कि अपनी बच्चियों में ये कॉन्फिडेंस दें कि आप उनके पीछे खड़े हैं. ये तो सबसे खूबसूरत बात बोली आप. जब वो निकलेंगी बाहर दुनिया में, वो तब भी जैसे जो कोई छोटा बच्चा
गिर के पीछे मुड़ के सबसे पहले माँ को या बाप को देखता है ना, अपने पेरेंट को देखता है. जब वो बाहर भी दुनिया में निकलेंगी, जो भी एक्सपीरियंस वो करेंगी, वो मुड़ के पहले अपने माँ और बाप की तरफ देखेंगी, चाहे वो मेमोरी में ही क्यों ना हो, कि वो खड़े हैं या नहीं खड़े, कि वो खड़े हैं या नहीं खड़े. तो उनके लिए वो मेमोरीज बनाइए जो उसके पूरी जिंदगी पे मुहित हो, कि वो जब भी मुड़ के देखे उसे महसूस होना चाहिए उसके माँ बाप उसके पीछे खड़े. तो इतनी खूबसूरत आपने बात बोली है. तो ये तो बेस्ट एडवाइस है. बट लड़कियों में आपको क्या लगता है, जैसे कहते हैं ना आजकल लड़कियों को कि फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन लव एंड एनीथिंग एल्स. तो ऐसी कोई दो तीन चीज़ें हैं जो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे या जो आप यूजुअली आसपास आपने ऑब्जर्व किया उसकी बेसिस पे आप कहेंगी कि वो लड़कियाँ आज 18 साल की 20 साल की लड़कियाँ जो सुन रही हैं कि गोइंग फॉरवर्ड मेक श्योर कि ये दो तीन चीज़ों पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें या इन दो तीन चीज़ों की तरफ स्ट्राइव करें कि आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा हो. एक तो डोंट अपोलोजाइज फॉर हु यू आर. इफ़ यू वॉन्ट लव यू वॉन्ट लव. इफ यू वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट यू वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट. इफ़ यू ओनली वॉन्ट लव उसकी भी एक कॉस्ट है. इफ़ यू वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट डिस्पाइट एवरी थिंग उसकी भी एक कॉस्ट है. इफ़ यू वॉन्ट टू टेक बोथ द थिंग्स टुगेदर उसकी भी एक कॉस्ट है. और ये कॉस्ट ज़रूरी नहीं है कि आप अकेले अदा करें. आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को ऐसा रखें, आप अपने पार्टनर्स ऐसे चूज़ करें, टीम्स बनाएं, चाहे वो अपने पेरेंट्स के साथ है, चाहे अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ है, चाहे अपने बच्चों के साथ है, टीम्स बनाएं. ये जो अकेले अकेले की हमने लड़ाई शुरू की हुई है ना कि उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, श्योर रेनी डे के लिए किसी ने बुरा वक्त नहीं देखा. और खुदा ना खास्ता और किसी भी बच्चे के साथ, लड़की या लड़के के साथ कोई बुरा वक्त नहीं आना चाहिए बड़े होने के बाद भी. लेकिन अगर आ जाए तो लड़का अपने आप को लुक आफ्टर कर सकता है फाइनेंशियली, लड़की नहीं कर सकती. इसके लिए ज़रूर तैयारी कीजिए, लेकिन अपोलोजेटिक नहीं होना चाहिए कि मैं और ये एब्सोल्यूशन भी नहीं होनी चाहिए कि नहीं मुझे बस सिर्फ यही चाहिए. फ्लेक्सिबिलिटी रखें. हाँ, अलग 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 वक्तों में, अलग अलग फेजेस में ज़िंदगी के इंसान की ज़रूरियात मुख्तलिफ होती हैं. अगर कोई होम मेकर बनना चाहती है, आसान काम नहीं होता भाई, बहुत मुश्किल काम है. हाँ, मुश्किल काम है. और उसमें काफ़ी सारे स्किल्स जिसमें आपका इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, बिजनेस, बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं. इवन मेडिकल साइंसेज टू अ सर्टेन लेवल शामिल हैं. उसके लिए अपने आप को ज़रूर प्रिपेयर कीजिए. अच्छे होम मेकर बनिए, एक बेजार होम मेकर मत बनिए. जो काम भी कीजिए मोहब्बत से कीजिए, चाहे ज़िंदगी गुजारना है, चाहे अपने आप से है, चाहे दूसरों से है. आपका सबसे बड़ा वस्फ है मोहब्बत, आपके नाम में है उन्स. अगर मैंने वो निकाल दिया, चाहे वो मर्द है चाहे औरत है, तो आप कौन रह जाएंगे? यू आर नॉट यू, देन यू डू नॉट बिलोंग टू द स्पीशी. यू विल बी अनदर स्पीशी अगर आप में उन्स ही नहीं है. तो जो भी काम करो यार, जो भी ज़िंदगी में सोचो कि मैंने ये काम करना है, उसमें सिर्फ दो चीज़ें हैं. ऑनेस्ट, अपनी कोशिश को ऑनेस्ट रखो, अपनी अप्रोच, अपनी डेडिकेशन को ऑनेस्ट रखो, रिजिडिटी मत रखो, और मोहब्बत से करो. इतनी अच्छी बातें बोली आपने, माशाल्लाह माशाल्लाह से. आई थिंक दिस इज़ व्हाट वी नीड. आई थिंक ये सब बातें मेरे जहन में भी चलती हैं और बहुत से लोगों में चल रही हूँ, के जहनों में चल रही होंगी. आपने उसको इतने खूबसूरत अंदाज में, अल्फाज में जो बयान किया है ना, वो बिल्कुल टू द पॉइंट था. या दैट्स व्हाट आई लिव्ड अ लिटिल लॉन्गर देन यू. अच्छा मुझे बताएं, देन हाउ डू यू मैनेज कि जिंदगी में, हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं. Sure. लेकिन मैं आपको देखती हूँ, रिग्रेट्स कैसे नहीं है, सुकून कैसे है, ये क्या थॉट प्रोसेस होता है, इसकी एक दो टिप्स शेयर कर सकती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि रिग्रेट्स से आप सीखते भी हैं, लेकिन हम उसको पकड़ के ना रखें. बट बड़ा मुश्किल होता है इन चीज़ों को लेट ग्रो करना ना. टू बी कंटेंट विद व्हाट यू आर एंड हु यू आर एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, मुझे वो आपसे सुकून का एहसास आता है. मुझे नहीं पता मैं सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ, बट जो आपने सारी बातें अभी बोली, मुझे लगता है आप उस स्टेज पे हैं, आपने अपने लिए ये सब कर लिया. तो कोई टिप्स हैं जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? बिकॉज़ आई एम ऑलवेज स्ट्राइविंग फॉर दिस. श्योर, या आई थिंक एवरीबॉडी इज स्ट्राइविंग फॉर समथिंग. या समथिंग, मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें आप क्राइसिस के दौरान नहीं इनकल्केट कर सकते. तो ये लाइफ टाइम कट कर रही हूँ, लेकिन ये आपने इतनी अच्छी बात बोली. हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि जब क्राइसिस हो रहा हो
दूसरे से और खुद से भी कि दिस इज व्हेन यू शुड शो दिस कामनेस एंड वो, ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली. ये उस वक्त नहीं कर सकते आप. इसके लिए आप पूरी जिंदगी पीछे प्रेप वर्क होता है, जैसे हम प्री प्रोडक्शन कहते हैं ना. जितनी मजबूत प्री प्रोडक्शन होगी, हलवे की तरह जाएगी प्रोडक्शन. उसमें क्राइसिस भी जब आएगा तो आपके पास सॉल्यूशंस होंगे, आपके पास टीम्स होंगी, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्वर्स होंगे जो प्रोडक्शन को मक्खन कर देंगे. तो ये प्री प्रोडक्शन कैसे करें हम लोग जिंदगी में, उसकी तैयारी कैसे की जा सकती है? यार मेरे लिए तो एक बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है, अपने गिर्द पॉजिटिव लोग रखो. जो लोग नेगेटिव, अभी किसी नेगेटिव फेज से गुजर रहे हैं, थोड़े दिन के लिए उनसे डिस्टेंस कर लो. जब तक वो कोई, मैं बिल्कुल नहीं कह रही, हो सकता उन्हें किसी वक्त आपकी ज़रूरत पड़ जाए, बिल्कुल ये नहीं कि उन्हें उठा के बाहर फेंक दो. उनसे डिस्टेंस इसलिए कर लो कि इस वक्त वो आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं. और सेल्फ प्रिजर्वेशन का तकाजा ये है कि यार अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, आई नीड टू वर्क ऑन समथिंग एल्स. दूसरी चीज़ ये कि जो मेरे जैसे इंसानों के साथ प्रॉब्लम है, जो बहुत इंडिपेंडेंटली पाले जाते हैं, जो बहुत हाइपर इंडिपेंडेंट होते हैं, जिनके मसले, जैसे आज मैंने कहा मैं गाड़ी मैं नहीं बैठ सकती, मैं किसी को मुलाजिम नहीं रख सकती, मैं नहीं साथ बैठ सकती, मैं मुलाजिम नहीं रख सकती, मैं हेल्पर नहीं रख सकती. आपने देखा होगा अपना सामान भी खुद उठाती हूँ, सब विच इज़ गुड, आई लव इट, आई लाइक इट, बट दैट्स जस्ट मी. लेकिन कुछ मामला ऐसे होते हैं जिसमें हर वक्त अपना सामान, अपना बैगेज खुद उठाने की ज़रूरत नहीं है. यू नीड हेल्प, बी प्रिपेयर्ड एंड बी ओके टू टेक हेल्प टू आस्क फॉर हेल्प. दैट समटाइम्स कुछ क्राइसिस ऐसे होते हैं जिसमें जो सबसे बहादुरी का काम आप कर सकते हैं ना, जो सबसे दिलेरी का काम आप कर सकते हैं, वो है हाथ बढ़ाना फॉर हेल्प. अपनी ईगो को, अपने उसको साइड पे रखें, क्योंकि वो आप नहीं, हर प्रॉब्लम आप अपना खुद नहीं सॉल्व कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता यार, सबको हेल्प की ज़रूरत होती है. तो वो हिम्मत अपने अंदर पैदा करना, पाना, उसको रखना. और मैं डिपेंडेंसी की बात नहीं करेगी, हाय हाय अब तो हर चीज़ के लिए मुझे एक मदद चाहिए, नहीं. लेकिन जिस वक्त मदद की ज़रूरत है, सही शख्स से मदद लेना, चाहे वो मेडिकल हेल्प है, चाहे वो साइकोलॉजिकल हेल्प है, चाहे वो इमोशनल हेल्प है, कोशिश ये करो कि अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग रखो जो आपकी मदद कर सकें. फ्रॉम दैट 20-year-old Sania to the Sania that's sitting in front of me, how has the definition of love changed for you? And how would you, what would you like to tell those 18 and 20-year-old girls who are listening to us, mohabbat kya hai? Aur hum usko kaise misunderstand karte hain maybe? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि मैंने सोचा है पिछले कुछ सालों में. सोचा है आपने? हाँ बिल्कुल सोचा. बस फिर हमें वो सोचा, व्हाट हैज चेंज्ड फॉर मी. मैंने, जब आप यंग होते हैं ना, आपकी मोहब्बत होती है, एक तो आपके लिए एक पैकेज बना हुआ होता है ऑलरेडी, उसमें से आप निकालते हैं अच्छा ये है मोहब्बत. वो हमेशा किसी और का पर्सपेक्टिव होती है, किसी और का विजन होती है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हैं, चाहे आपके आपकी फिल्म, आप लिटरेचर है, आप उस पर पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं. उम्र के साथ आप सीखते नहीं, ये मेरे अंदर से निकलता है इमोशन. ये सबके लिए मुख्तलिफ है, उनके लिए मुख्तलिफ है, उस बच्ची के लिए अलग है, तुम्हारे लिए अलग, मेरे लिए अलग है. मुझे इसे ओन करना है जो मेरे लिए मोहब्बत है. आपके लिए क्या है? अल्फाज में मुझे एक्सप्लेन करना मुश्किल है, लेकिन कोई भी चीज़, इवेंट, कोई भी शख्स जिसे देखकर मेरे अंदर से खुशी निकले ना, वो प्यार है. चाहे वो मेरे पौधे हैं, चाहे वो मेरी बिल्लियाँ हैं, चाहे वो मेरे दोस्त हैं जो मुझे कभी कभी मिलते हैं, सिस्टर जूली हैं जिनको ये भी याद है कि मैं सब्जी नहीं खाती. शी इज डेंजरस मैन, शी इज डेंजरस. एंड टेल मी, उनको याद है कि मैं सब्जी नहीं खाती. अल्लाह, डजंट ईट बैंगन, शी सेड आई डिडंट ईट बैंगन. ओह गॉड, आई वाज लाइक, तो इसी प्यार है, इट्स समथिंग. और इस ये कोई ऐसा, अब मैं सिस्टर जूल से कितने दिन बाद मिली हूं. सो आर यू वर्किंग ऑन एनी प्रोजेक्ट्स? I was just completed a web series. Okay. Kashif Nisar ne direct kiya, Bigul ne likhi hai.
सजर मैं हूँ. मुझे भी न्यूज़ है, वहाँ जाएं. वो तो मैंने सुने, बड़ी इंटरेस्टिंग है. हाँ, यू थिंक सो? इट इज. वो वेब सीरीज़ है, वो उसपे Z5 पे आ रही है. Z5 पे आ रही है. एंड हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसको देखना? आई हैव नो क्लू. कि वो कब तक आएगी. और एक आध और प्रोजेक्ट है जो यास्रा ने डायरेक्ट किया है, टेलीविजन सीरियल है वो, लेकिन वो ग्रीन जब आएगा, बट ग्रीन जब आ रहा है, जब अब आ रहा है तो finally, देखो yeah. हाँ, तो ये दो देखने को मिलेंगे करीब करीब. और ARY से आएगा बंदिश 2. ओके, तो बस वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है, बिकॉज मैंने कहा एक ये जॉनर रह गया जो मैंने नहीं ट्राई किया हॉरर का, तो वो भी करके हाँ करके देखती हूँ कैसा लगता है. But then I realized most of it happens without you. you know? yes, वो so, नहीं आई, फील नहीं आई जो आप सोच रही थी. I was working with Sajal and Vahaj. Oh, it was amazing. It आपके पहले इससे पहले आपने किया है? मैंने वहाज के साथ एक सीरियल किया था जिसमें बहुत कम हमारी ऐसे अलग सलग ही हुई, और इसमें भी ऐसा ही है. अच्छा, ज़्यादा नहीं, लेकिन मेरा ज़्यादा वक्त हाँ सजल के साथ और हैदर के साथ. तो सजल तो पटाखा है, वो तो बस हर वक्त मुस्कुराती. यार मैं इतना इंप्रेस होती हूँ ना इन बच्चों से, मैं बहुत खुश होती हूँ उनको देख के. कितनी इंटेलिजेंट, इमोशनली इंटेलिजेंट, कितनी डेडिकेटेड स्मार्ट लड़कियाँ हैं, बहादुर लड़कियाँ हैं. ये जिस तरह से ये अपने करियर्स बना रही हैं, जिस तरह से ये काम करती हैं, जो ये फजूल बातें सुनती हैं और उसमें जमी रहती हैं, मतलब कि इनको हाँ इनको हरा पाना बहुत मुश्किल है. ये दे आर वेरी या माशाल्लाह, मैं वेरी वेरी प्राउड ऑफ देम, वेरी प्राउड ऑफ देम. चाहे सज्जल है, चाहे कुबरा है, चाहे फरियाल है, चाहे इकरा है. And I'm sure so many names that I'm not course, forgetting. हम सबके नाम इस वक्त ले भी नहीं सकते, याद भी नहीं है. All these girls. Yeah. So proud of them. So proud of them. Thank you so much for your time. बहुत मज़े किया कि का टाइम गुजरा और हमने इतनी चीज़ें देखी हैं, मुझे तो बहुत मज़ा आया. जब हमारी बात भी हो रही थी तो ये थोड़े से हमारी डिस्कशंस के बाद हम यहाँ पहुँच गए. बीच में कुछ हर्डल्स भी आए, कैसे होगा क्या होगा, बट फाइनली हो गया. बिकॉज आई थिंक यू ऑल्सो वॉन्टेड टू डू इट एंड आई ऑल्सो रियली वॉन्टेड टू डू इट. तो वो नीयत अच्छी हो तो हो जाता है. आई जस्ट फेल कि यू नो सेंट जोसेफ्स पाकिस्तान की, कराची की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और यहाँ जितने लोग, जितनी लड़कियाँ पली बढ़ी जो इधर से, उनकी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. सो It should be celebrated. Sure. And you know, इस एपिसोड का मकसद ही प्यार ज़िंदगी और कराची की, इस एपिसोड का मकसद ही इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को और इसकी काविशों को और इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करना था, जो एक तो हमारे सामने भी है. एंड टू ऑल द पीपल हु हैव नॉट ओनली बीन एजुकेटेड फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन, यहाँ के असातिज़ा, ये इमारतें, ये सब तारीख का हिस्सा है, कराची की तारीख का हिस्सा है. और एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है ना इन इंस्टीट्यूशंस की और इस शहर की, बहुत इम्पोर्टेंट थी, जो ज़रूर मैं समझती हूँ मेंशन की जानी चाहिए, ये एक मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंगुअल, मल्टी एथनिक शहर था और बहुत पुरअमन था. अभी भी है. है और बहुत पुरअमन था, जो कि अब नहीं है और होना चाहिए और हो सकता है. हम स्कूल में थे, हमारे हिंदू क्लास फेलोज़ भी थे, क्रिश्चियन क्लास फेलोज़ भी थे, पारसी क्लास फेलोज़ भी थे, और बखुदा हमें बहुत सालों तक नहीं पता था कि कौन कौन है, और हमें इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था. और मुझे लगता है कि आज भी अगर हम अपने शहर को देखें तो जहाँ हम मजॉरिटी में रहते हैं, और अगर आप समझते हैं कि कम तादाद की वजह से वो माइनॉरिटीज़ हैं और हमारी वजह से ख़तरे में महसूस करती हैं अपने आप को, तो ये तो हमारा फेलियर है. वी फेल्ड, क्योंकि जो मेजॉरिटी में है वो सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना. सही, वो रिस्पॉन्सिबल है कि माइनॉरिटीज़, कम तादाद में लोग या छोटे ग्रुप्स में जो लोग होते हैं, वो प्रोटेक्ट हों, वो महफूज महसूस करेंगे, यानी ये तो हमारी जिम्मेदारी थी. तो एक्चुअली तो वी हैव फेल्ड. और जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है एजुकेशन में, हेल्थ में, अभी भी कावज जी एक वो है, क्लिनिक है, बिल्कुल प्रेस मार्केट में के साथ, बिल्कुल वो अभी भी है, बिल्डिंग तो अभी भी है.
मतलब फ्रॉम बीइंग डॉक्टर्स टू टू यू नो योर टीचर्स केयर टेकर्स हर फील्ड में अगर आप उनकी कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे दैट विल बी योर फेलियर. ये आपका छोटा सा मुझे लगता है. या या एब्सोल्युटली है. लेकिन इसी बात से मैं एक बात बोलूँगी कि कराची में मैं भी पहली भरी हूँ एंड आई थिंक कराची की सबसे खूबसूरत बात इसकी जो ये मल्टी कल्चरल मल्टी एथनिसिटी मल्टी रिलीजियस जो ये कॉम्बिनेशन है. लाइक आई रिमेंबर कि आ खानी भी फ्रेंड्स होते थे शिया सुन्नी भी साथ हैं विद इन वन रिलीजन भी सेक्ट्स आ रहे हैं. लाइक इट वॉज सो होलसम. वी नेवर हमने कभी अपने इंटरेक्शन करते हुए किसी दूसरी लड़की या लड़के से भी ये नहीं सोचा कि ओ ये इस एथनिसिटी या इस बैकग्राउंड या इस रिलीजन का है तो मैं ये आज इसके साथ शाम को दावत पे हम इनके घर नहीं जाएंगे. हाँ. ये हम नहीं करें. हम वी यूज़ टू लुक फॉरवर्ड टू इट एंड अभी तक ये है. अभी तक ये है जितना मैं देखती हूँ. एंड मुझे इस बात का अफसोस होता है कि उसको हम सही तरह पॉजिटिव तरीके से पोर्ट्रे नहीं कर पाते. इट लुक्स लाइक कि यहाँ बहुत नफरत है बहुत मुश्किल है बट ऐसा नहीं है. अभी भी हम बहुत मोहब्बत से रहते हैं रिस्पेक्ट है एंड आई मीन आई हैव सो मैनी We all do, I think. Friends from different religion, from different cultures, from different backgrounds. And जितना आपको divide करने की आदत अगर आपका mindset ये है कि आप लोगों को तफरीक में देखें आप उनके फ़र्क में देखें तो आप तो छोटे से छोटा ही करते चले जाएंगे ना. पहले वो religions होंगे फिर वो sects होंगे फिर वो languages होंगे फिर वो बिल्कुल छोटे communities फिर वो बिल्कुल caste पे आ जाएंगे you know. तो आप कपड़ों में भी आ जाएंगे. बिल्कुल. चलिए जी इस नोट पर हम आप सब से और सानिया से भी इजाज़त चाहेंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. हैड अ लवली कॉन्वर्सेशन एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू बैक ऑन स्क्रीन वेरी सून होपफुली. एंड थैंक यू फॉर दिस टूर. या फॉर दिस टूर सेंट जोसेफ्स एंड कराची. या थैंक यू.